जानी वेलकम बैक। मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं उसमें तारिक मतीन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तजयकार। तारिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। स्टार जाहिद चौधरी साहब हैं मेरे साथ, सीनियर सहाफ़ी तजयकार। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नज़ीर लगारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तो लगारी साहब का भी ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। सर हम आपको तंग करते हैं, डी एस एन जी का क्या है कि आपको कहते हैं स्काइप लगा लें और आप बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं। कल रात हमारे दोस्त सदीक जान साहब को अगवा कर लिया गया। अगवा मैं इसलिए कहता हूँ, गिरफ्तारी वो होती है जिसका पता हो। उसके बाद हम कुछ दोस्त जो इस्लामाबाद के हम सहाफ़ी हैं, हम तकरीबन 6 थानों में गए। अपारा थाने के SHO ने बोला कि रमना थाना की पुलिस आई और सदीक जान को ले गई। तो हम रमना थाना पहुँचे, तो रमना थाना वालों ने कहा कि उसको कोसार थाने वाले ले गए। तो हम कोसार थाने चले गए, तो कोसार थाने वालों ने कहा जी उसको तो ले गए हैं रमना थाने वाले वापस। तो हम रमना थाने चले गए और रमना थाने वालों ने कहा जी उसको तो ले गए हैं CTD 12 को। तो ये तमाशा लगा रहा पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर, और तकरीबन रात के 3 बजे तक हम सदीक जान को ढूंढते रहे और बिलाखिर हमें सदीक जान की कहीं से कोई ख़बर नहीं मिली, इस्लामाबाद के किसी थाने से। और इवन CTD वालों ने कहा हमें तो पता ही नहीं, हमने तो उठाए नहीं, हम FIR दिखाएं हमें। सो ये तमाशा लगा रहा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये पाकिस्तान के कैपिटल में पाकिस्तान की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस ने और CTD ने ये तमाशा लगाया एक मुल्क के एक सहाफ़ी के साथ। और पाकिस्तान के 5-6 सहाफ़ी, रिनाउंड तो हम नहीं हैं बट हम 5-6 सहाफ़ी मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे थे और हमें उन्होंने एक मतलब रोलिंग स्टोन बना दिया था। आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि साउथ पंजाब में पुलिस वाले आम लोगों के साथ किस तरह का जुल्म और जबर करते होंगे, बलूचिस्तान में क्या जुल्म करते होंगे, इंटीरियर सिंध है, KPK है, मतलब बलूचिस्तान के हालात तो सोचकर मुझे कल मतलब दुख हो रहा था। और आबिद अब्बासी ने कहा कि ये तो पुलिस का एक नॉर्मल रवैया, हमारा दोस्त है आबिद अब्बासी। इंतहाई शर्मिंदा हुआ मैं और इंतहाई दुखी हुआ कि इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी जो कि TV पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, और हम 5-7 सहाफ़ी जो TV पे बैठ के शो करते हैं, कुछ लोग हमें जानते हैं, तो एक थाने में कोसार थाने वाला पुलिस वाला, तो हमारे दोस्त के सामने हम एक फ़ोटो बना लूँ आपका, तो फ़ोटो हमारे साथ बनाने को तैयार थे बट हमें बताने को तैयार नहीं था। और इस्लामाबाद की पुलिस ने ये हाल किया। आज सुबह हम सारे लोग 8 बजे CTD कोर्ट पहुँच गए, तो 11 बजे इस्लामाबाद पुलिस को ख्याल आया ये इस कदर फुर्तीली पुलिस है कि जी सदीक जान हमारे पास है, और उन्होंने एक FIR का तस्करा किया। वो FIR अब मैं कुछ 6 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, उस FIR में सदीक जान का नाम ही नहीं था। तो हम खैर CTD कोर्ट में G11 में इंतज़ार करते रहे। लगभग कोई 3:15 बजे सदीक जान को ऐसे लाया गया, मैं समझा कि अलकायदा के दहशतगर्द आ गए हैं, काला कपड़ा उसके ऊपर डाला हुआ था। तो मैंने कहा ये सदीक जान नहीं है, ये को अलकायदा का दहशतगर्द पकड़ के ले आए हैं। तो लोगों ने तस्दीक की कि ये सदीक जान ही है इन कपड़ों के जहाँ चेहरे जो जिसके छुपाए हुए हैं। खैर जब वो कोर्ट में उसको ले आए तो बड़ा दिलचस्प वाक़ हुआ। जब दलाइल हुए, FIR है जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो G11 में है, और जिस वीडियो को जो मरियम नवाज़ ने ट्वीट की थी, जिस वीडियो में आंसू गैस पर पुलिस के शैल, आंसू गैस शैल पर पुलिस के साथ मुकालमा हो रहा था सदीक जान का, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 70 मीटर की दूरी पर, एक चौधरी प्लाजा है वहाँ पर हो रहा था। FIR जुडिशल कॉम्प्लेक्स की, वकुआ हो रहा है चौधरी प्लाजा में, जिसकी वीडियो उसको वायरल किया गया। तो जज साहब से हमने पूछा भी सही कि भाई आप इनको रिमांड दे रहे हैं, भले 24 घंटे का ही दे रहे हैं, और ये बताएं कि FIR कहीं और की है, वकुआ कहीं और हो रहा है, तो ज़रा समझाएं तो सही कि किस हिसाब से दे रहे हैं। दूसरा, इस्लामाबाद पुलिस इतनी फुर्तीली है कि चौधरी प्लाजा जाके वो नक्शा नहीं बना सकी वकुए का, तो किस तरह फ्रेम करके लोगों को बिलावजह जो है वो तंग किया जाता है, खासतौर पे सहाफ़ियों को। और एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया, अब 780 किसी सहाफ़ी पे लग जाएगी और उस पर रिमांड भी मिल जाया करेगा, तो ये बड़ा अलमिया है। और असल वाक़या क्या है, जिस पुलिस वाले का बयान है जिस पर सदीक जान को गिरफ्तार किया गया, उसका नाम उमर फारूक है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उस पुलिस वाले का कहना है कि सदीक जान ने सरकार में मुदाखलत की और मुझसे मेरा शेल छीन लिया। मतलब सदीक जान, मेरा ख्याल टोटल वज़न उसका 55 किलो है, और वो पुलिस वाला जो पहलवान था वो सदीक जान ने बड़ी हिम्मत करके उससे वो शेल भी छीन लिया और उसको धक्के देके उस बिल्डिंग से निकाल दिया। बट रियल स्टोरी क्या है कि जो मौसूफ पुलिस वाला है ये आंसू गैस से नीचे बेहोश होकर गिर गया था। तो 5-6 सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर जो उस दिन इवेंट कवर करने गए थे 18 मार्च को, उन्होंने उस पुलिस वाले को उठा के उस पुलिस वाले को चौधरी प्लाजा की छत पर ले आए, उसको पानी पिलाया,
उसको पंखे झले, उसकी शर्ट उतारी, उसको साफ किया कि भाई तू ठीक हो जा, मरने वाला था वो। तो उस नेकी का सिला सदीक जान को और दीगर साफियों ने किया, तो वो पुलिस वाला ठीक हो गया जब चौधरी प्लाजा की छत पर गया। तो जब ठीक हो गया तो उसके पास शेल्स भी थे और गन भी थी, तो उसने उस गन से शेल फायर करना शुरू कर दिए। तो इस पर सदीक जान ने उसे रोका कि हवा का रुख इस तरफ है, वो शेल तुम फायर कर रहे हो, उसका धुआं हमारी तरफ आ रहा है। और दूसरा, जब शेल चौधरी प्लाजा से फायर हुए तो जो पीटीआई के सपोर्टर थे जो कॉम्प्लेक्स में खड़े थे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। अब उस छत पर छुपने की जगह नहीं है, नीचे से पथराव हो रहा है, ऊपर से वो शेल कर रहा है, जिस पर सदीक जान उसको कह रहा है कि भाई तुम नीचे उतर जाओ और इस तरफ शेल फायर ना करो। तो ये एक पूरा केस बनाया गया है। ये केस तो नहीं, एक मजाक है, मतलब हासा ही निकल जाता है, ऐना हासा तुम स्टेज ड्रामा देख के नहीं लगेगा जिना ये, मतलब केस सुन के आज कोर्ट की सारी जो प्रोसीडिंग थी। तक मतीन साहब, सर जब भी साफ ही बोले जाते हैं, किसी भी दौर में बोले जाते हो, मामला सदीक जान का नहीं, मामला साफियों का है सर, वो किसी भी दौर में हो, मसला मतलब हमारा सिस्टम क्यों साफियों को कमजोर पकड़ के उनको कटहरे में खड़ा कर देता है सर? अच्छा, वैसे सिस्टम कौन है, कौन कर रहा है, सब जानते हैं, सबको खबर है, वो कौन था, वो कौन है टाइप की बातें जब हम करते हैं, तो कमाल यह है कि करने वाले को पता है कि कौन है, जिसको बता रहे हैं उसको पता है कि कौन है, तो दिल से निकलती है, दिल में उतरती है और कम्युनिकेट पूरी हो जाती है। एक, लेकिन देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया और अफसार आलम साहब को गोली लगी, इसके अलावा असद तूर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सभी काबिले मुजम्मत। और होता क्या था, इस हुकूमत उस हुकूमत के लोगों से पूछा जाता था किसने किया है, अदालत पूछती थी, अतर मिल्ला साहब पूछते थे, वो कहते थे पता करते, और पता करने के बाद पूरा जोर लगाते थे, और बंदा इस्लामाबाद से बाहर जाता हुआ मोटरवे से किसी और मकाम से किसी सुनसान मकाम से वापस आ जाता। अब क्या होता है, अब कोई शख्स गिरफ्तार होता है और उसके बाद हम देखते हैं राणा सनाउल्ला, अता तारड़, मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये लोग कहते हैं इसने किया है, इसके पास इतने करोड़ का महल कहां से आया है, ये इस बात का जवाब दे, ये सहाफी नहीं है, ये इमरानदार है, ये इमरान खान का है, ये पीटीआई का, मैं इसको सहाफी नहीं मानती, मैं इसको सहाफी नहीं मानती। ये रवैया ताकतवरों का साथ देने का, ताकतवरों के आगे हुकूमत के सरेंडर करने का, ये हमने पहले नहीं देखा, ताकतवरों का रवैया हमने पहले नहीं देखा था, ऐसे ही था, लेकिन ताकतवरों के आगे सरेंडर करने का, मलिक मोहम्मद अहमद खान उनके साथ, अता तारड़ उनके साथ, जावेद लतीफ उनके साथ, दीगर गुजराकर बैठ जाएं और बताएं कि इमरान रियाज खान करप्ट है, उसका बाप भी करप्ट है, ये रवैया हमने पहले कभी नहीं देखा। वो शख्स बैठ के यूट्यूब पर बता रहा है कि मेरी इतनी इनकम, ये सब कुछ एक एक चीज दे रहा है, लेकिन हुकूमत के लोग ताकतवरों के आगे बाकायदा कासालेस बनकर ऐसे पेश हुए हों और ताकतवरों के इकदाम का दिफा कर रहे हों, ये फस्ताइयत मुझे चुड़गा में से कुछ बता दे, हमने पहले कभी देखी, आप खुद बता दें। नहीं देखी सर, वेरी राइट सतार चौधरी साहब। सर सदीक जान, सिर्फ सदीक जान, ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। मेरा तो ख्याल है कि अभी तारिक मदीन साहब ने कहा कि हुकूमत ताकतवरों के आगे बेबस हो जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पलड़े बराबर करने के लिए हुकूमत को खुश किया जा रहा है, मुख्तलिफ इमरान रियाज हों, सदीक जान हों या और इस यूट्यूबर, एक नाम मेरे जहन में नहीं आता हूँ, तारिक साहब, तारिक साहब ये कंप्लीट कर ले फिर मैं आपका कमेंट लेता हूँ। तो ये बेसिकली, तो अगर इसको आप थोड़ा सा वसी कैनवस में देखें तो ये एक प्लान के तहत सारा कुछ किया जा रहा है। मकसद इनका ये है कि जो इमरान खान की हमायत में जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, उनका ये मौकफ है बड़ा ओपनली, अब वो ब्लंटली कह रही है हुकूमत भी और पीडीएम भी कि सदीक जान ने ऐसी कोई बात नहीं, दिन पहले उसको एफआईए ने नोटिस किया था बैक डेट में एक नोटिस ला के जी आपके ट्वीट्स जो हैं वो मुल्की सलामती के खिलाफ, पकड़ा तो आप तो इससे कर में उसमें हाई कोर्ट ने चूंकि बेल ले ली तो इसलिए एक उन्होंने फौरी तौर पे एक नया मुकदमा बना के उसको पेश कर दिया, पकड़ लिया उसको, अरेस्ट कर लिया या उसको अगवा कर लिया। लेकिन ये काबिले मुजम्मत इकदाम है, मैं समझता हूँ कि इसमें इस्लामाबाद पुलिस भी शायद उतनी बाख्तियार नहीं होगी, हुकूमत भी शायद उतनी बाख्तियार नहीं होगी, क्योंकि सदीक जान का मामला जहाँ तक है उसकी जो ट्वीट्स हैं या उसकी जो वीलॉग्स हैं या उसकी जो खबरें हैं वो
यानी किसी की हमायत या मुखालफत में नहीं होती हैं आमतौर पर, वो जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जिस किस्म का एनालिसिस करता है उसमें हुकूमत को बहुत ज्यादा सुबकी महसूस होती है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने गुस्सा निकाला है ताकतवर हल्कों ने या हुकूमत। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन ये जो डिवाइन है, क्योंकि नुसरत जावेद हों, हामिद मीर साहब हों, इसी तरह दीगर जो हमारे साहफ़ी हैं, असद तूर साहब का भी हम तذکرہ कर लें और मतीउल्लाह जान का हम तذکرہ कर लें, तो ये बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार कर दिए गए और फिर वो बेरोज़गार रहे, उनकी वापसी बड़ी मुश्किलों से हुई और फिर अब सहाफ़ी तबका जो है वो डिवाइडेड है, मुखालफत भी करता है या हक में आवाज़ नहीं उठाता, तो ये डिवीजन भी ऑफ कोर्स ख़त्म होनी चाहिए। सहाफत का शोबा जो है वो सहाफत का है, सियासत का नहीं है। यू कैन रिपोर्ट द पॉलिटिकल इवेंट बट यू कैन नॉट द पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविटीज़। इसको फ़र्क ज़रूर रखना है। ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद इदारों के खिलाफ बात होगी तो उस पर एक्शन होगा और इमरान खान साहब रियासत से मजबूत हैं, ये तासुर दुरुस्त है कि नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, ये एक तासुर बिल्ट हो रहा है कि खान साहब रियासत से ज़्यादा मजबूत है, क्या ये सिर्फ तासुर है या इसमें कोई हकीकत भी है? सर आपकी आवाज़ नहीं पहुंची। आवाज़ आ रही है सर आपको? आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही मुझे। ऐसा लगारी साहब की आवाज़ बेहतर करो। मैं तारिक मतीन साहब, ओवर टू यू सर। इमरान खान साहब वाकई रियासत से ज्यादा मजबूत हैं या सिर्फ एक तासुर है? इमरान खान एक मजबूत सियासतदान है, जहां तक बात दुरुस्त है, और इमरान खान के बारे में हमारे यहाँ एक मुसलसल जुमला कहा जा रहा है, आज भी कहा गया बड़ी शिद्दत के साथ, ये जो है ये बुजदिल है और ये डरता है, ये अदालत नहीं जाता, ये छुपके बैठ जाता है। हमारे यहाँ कुछ खवातीन सियासतदान, एक खातून सियासतदान और उनकी जो नीचे मातहत खवातीन सियासतदान, वो बार बार कर रही है कि बेडरूम में छुप जाता है, ये चारपाई के नीचे छुप जाता है, ये बेड के नीचे छुप जाता है। बेड है सर, चारपाई नहीं, बेड है। नहीं, वो चारपाई है। तो वो जो है कुछ नामुनासिब सी बातें हैं, अजीब, इस पे खैर नहीं जाते लेकिन जाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो ये जो लोग हैं ये तो इमरान खान को बहादुर भी नहीं मानते और ये कहते हैं कि इमरान खान को बहादुरी सीखनी चाहिए मियां नवाज शरीफ से, जिनको अदालत भी बुला रही है, जिनको 4 हफ्ते की मोहलत मिली थी, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और जब हमारे यहाँ लोग गुर्बत में आटे की लाइनों में मर रहे होते हैं तो वो हमें हैरल्ड्स पे और बेंटले में और फिर उसके बाद बीएमडब्ल्यू में और लंदन के शॉपिंग सेंटर्स में नजर आते हैं। जब यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं होता तो वो वहां पर दिमाग की शरियाने बंद, दिल की शरियाने बंद, प्लेटलेट काउंट 2000 हुआ, वहां पर हमें KFC खाते हुए नजर आते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला सेहत भी दे और मजीद मुरम्मत गजाएं खाने की और हजम करने की ताकत भी दे, आमीन। लेकिन रियासत जो है उसने तो पिछले कुछ अरसे में हमें ताकत दिखाई है, बड़ी ठीक ठाक ताकत दिखाई, और ये ताकत हमें सहाफियों पे भी नजर आई है, सियासी कारकुनों पे भी नजर आई है, बच्चों पे भी नजर आई है, 10 साल के बच्चे पे नजर आई है अभी 2 रोज पहले। रियासत या हुकूमत भी? रियासत 10 साल के बच्चे को लेकर गई अभी 2 रोज पहले। अब पूरे मुल्क ने वो वायरल वीडियो देखी है, रियासत ने अदालत में एक चंद माह की बच्ची को पेश किया था जो शहबाज गिल के ड्राइवर की बच्ची थी, तो रियासत की ताकत हमने देखी है वहां पर। लेकिन रियासत की ताकत पता नहीं कहां चली कि जब अरशद शरीफ की शहादत की बात हुई, जब अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो लेटर दिया था अपना और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसे कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं बनाया, तो मुझे नहीं नजर आई कि रियासत की ताकत कहां है। तो रियासत को ताकतवर होना चाहिए और अगर रियासत ऐसी है तो इससे तो ताकतवर जो है वो हमारे यहाँ कच्चे का डकैत भी हो सकता है। वेरी राइट नज़ीर लगारी साहब। सर रियासत की तारीख बड़ी मजबूत है सर, वो अकबर बुगटी के पहाड़ हो, वो जुल्फकार अली भुट्टो का कद हो, वो मौलवी अब्दुल अजीज और रशीद की दहशत हो, ये वाकई इस दफा कुछ सिनेरियो बदला हुआ लगता है आपको या कहानी कुछ और है सर? मेरे ख्याल में हमारी रियासत कार्रवाई करती है जब किसी जब कहीं से डिक्टेशन आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने एक बात की है कि हमारे यहाँ मार्शल लॉ उस वक्त लगा है जब आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत होती है। अब मैं तमाम तफसीलात बता देता हूँ। पहला मार्शल लॉ 3 दरिया बीचने के लिए लगाया गया था और उसके लिए 11 साल तक मेहनत की गई थी और जो योजीन वर्ल्ड बैंक का प्रेजिडेंट को एक लगातार लगा हुआ था कि किसी तरह पाकिस्तान अपने दरिया भेज।
और इसके लिए जोर लगाया जा रहा था, कोई तैयार नहीं था। लियाकत अली खान ने मना किया, उसके बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन ने मना किया, भोगरा ने मना किया, चौधरी मोहम्मद अली ने मना किया, और उसके बाद जो है आई एच मुनिका ने मना किया, हुसैन शहर सरवर्ती ने मना किया और फिरोज खान नून ने मना किया। उसके बाद हमारे 6 फुट 2 इंच के जनरल ने कहा मैं हाजिर मैं बनाऊंगा, आप जो है वो हमसे ले लें दरिया। और फिर पाकिस्तान के दरिया अयूब खान ने भेज दिए और साथ में ये राइट तस्लीम किया इंडस वाटर ट्रीटी में कि भारत बाकी दरिया जो हमारे हैं वो जनाब झेलम और इंडस इसके ऊपर भी अपने डैम बना सकता है, अपने वाटर रिजर्वायर बना सकता है, ये भी माना गया था। तो हमारे पानी का सौदा करना था और ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट था। अमेरिका आगे जो कुछ आज इंडिया को बना रहा है उस वक्त बनाना चाह रहा था। उसके बाद हमें बनाया गया सर्द जंग का चारा, हम सर्द जंग का एक हिस्सा थे और हमारे जो हुक्मरान अशराफ किया है तो पाकिस्तान को रूलिंग इलीट है जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है वो एक 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 उनके बेदाम गुलाम की तरफ रही है। जब ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान को तोड़ देना है तो हेनरी किसिंजर को खुद याह्या खान कहते हैं कि हमने बंगाल से अलग होने का फैसला कर लिया है, हमने मशरकी पाकिस्तान से निकल जाने का फैसला किया। अयूब खान अपने वजीर कानून को जो लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था, फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, फिर अयूब खान का वजीर तेरे काम बना जस्टिस मुनीर भेजा। सर आप अपनी डायरियों का फिर अपनी डायरियों में लिखा कि हम बंगाल को अलग करना चाहते हैं, फरफरी खान को कहा हम निकलना चाहते हैं, जब इतना कुछ तय हो चुका था ये किसकी हिदायत पर हो रहा था, पाकिस्तान को तोड़ने का फैसला कर चुका था। ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट किसी ना किसी इशारे पर यह कार्रवाई करती है हमारी। जब व्हाट अबाउट फिर इमरान खान सर, इमरान खान साहब को हटा दिया ना वजारत उज़्मा के ओहदे से सर। एक मिनट में आ रहा हूं। उसके बाद जब हमने ग्रेट गेम का हिस्सा बने और हम जब रूस के साथ लड़ने के लिए अफगानिस्तान में टूट पड़े, हमारा अपना मुल्क अड्डा बन गया, एक एक वक्त में 40-40 लाख अपराध हीरोइन के नशे का शिकार हुए, हमारे पूरे मुल्क में असला फैल गया, इस सारे की सारी कमाई जो है वो हमारी उस जंग में शरीक होने की थी और ये फैसला किसने किया था और उस फैसले के लाजमी था कि एक शख्स कत्ल किया जाता, भुट्टो को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद जो है ये फैसला हुआ कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे। फिर ये आखिरी मार्शल लगाया गया कि जो जनरल मुशर्रफ का मार्शल था, ये भी आला तरीन हिदायत हुआ है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो है इस तरफ ले जाने के लिए जो आज हुए हैं वो पैदा करने के लिए मुशर्रफ को लाया गया। इस तरह से आपके दुनिया की तारीख की पूरी आखिर में जनाब इमरान खान चारों मार्शलों की वारसों विरासत को संभाल कर इंटरनेशनल एजेंडे के तहत पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं और इसलिए मैं आपके सामने रिकॉर्ड पर हूँ कि बाद में कहेंगे कि यार ये बात तो हमें पता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहा है और इमरान खान मेन मोहरा और इस्टेब्लिशमेंट और सब साथ हैं, गोली चल गई लगारी साहब, एक शख्स पे गोली चल गई सर, 94 FIR है नंबर। लगारी साहब मेडिकल लीगल तब बनता जब वो सरकारी हॉस्पिटल जाते, वो तो चले गए शौकत खानम, हुकूमत उनकी थी यार, वजीर आला उनके थे, ये क्या बात हुई, इक्तदार उनके पास था, काबीना उनके पास थी, स्पीकर उनका था, असेंबली उनकी थी, सब कुछ उनके पास था, ये क्या बात हुई कि आप एक मेडिकल लीगल कर नहीं चाहते। भाई पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इमरान खान उस खिलवाड़ का हिस्सा है और ये मैं कहता हूँ ये कौन से अशराफ है जो हम हुकूमत में बैठे हुए, नाकारा लोग हैं, करप्ट लोग हैं, खराब लोग हैं और वो अगर इस हद तक हिस्सा है कि हम भी नाकाम हुकूमत के तासुर पेश करें तो हो सकता है। वेरी राइट सर, मैं कमेंट सतार साहब से लूं, सतार साहब इमरान खान साहब पे 94 FIR, इमरान खान पे होने वाला हमला,
ये सारी जगह सारी बातें अपनी जगह। जब हम तारीख को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ज़रूर नज़र आता है कि मोहतरमा हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, जो ट्रीटमेंट अदालतों का और इस सिस्टम का इमरान खान साहब के साथ है वो इम्तियाजी ज़रूर है कहीं ना कहीं। एक तस्वीर का एक रुख है, जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है सर। तस्वीर के एक रुख पर बात करें ना कि इट्स अ डिफरेंट ट्रीटमेंट जो खान साहब के साथ हो रहा है। देखिए इमरान खान के साथ डिफरेंट आपको फील हो रहा है, मेरे ख्याल में तो एस्टेब्लिशमेंट बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो भी पॉपुलर होता है अवाम में वो एस्टेब्लिशमेंट को बारा नहीं खाता। ये मैं खैर इनकी बड़े सीनियर हैं डगारी साहब, इनकी थ्योरी कि इमरान खान भी इस सारी साजिश में बाकायदा मोरा है। इमरान खान मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात मैं भी मानता हूं कि इमरान खान जिस स्टेज पे चला गया है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, उससे पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा आप ज़रा चीज़ों को एक ऑर्डर में हम देखते हैं। इमरान खान आया, उससे पहले मुल्क चल रहा था अच्छा भला और महंगाई का ये लेवल नहीं था। नवाज शरीफ को इन्होंने चोर डिक्लेयर करके इमरान खान को हीरो बना के हुकूमत में ले आए। दो मिनट, इमरान खान आ गया, 3.5 साल उसने कुछ नहीं किया, इंतजामी तौर पे नाहली। अच्छा, इमरान खान अचानक उनकी नज़र में, लाने वालों की नज़र में इमरान खान जो है वो रांधा दरगाह हो गया, तो इमरान खान को निकाल दिया, वापस उनको ले आए। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? पहले जिसको निकालते थे वो निकल जाता था, यही तो डिफरेंस है ना, इसी की तो बात हो रही है सर। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, ये पॉइंट सपोर्ट तो करता है ये लगारी साहब के बयानिए को सर। ये तासर है कि इमरान खान के साथ लाडलों वाला सलूक हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि वो जो 70 साल से पोलिटिकल इलीट हो या डिक्टेटर्स हों, जो मुसलसल अवाम के ऊपर मुसलत 70 साल से हुक्मरानों की नाअहलियाँ, सुस्तियाँ और लोगों के उनको सर, कहानी पता क्या है, नून लीग ना, नून लीग का सोशल मीडिया एक रिलीज जारी करता है, पीपल्स पार्टी वाला भी, उसमें ना सैकड़ों में दिन है, वो हमारे बड़े मासूम से दोस्त हैं खुर्शीद झा साहब, मैं साईं कितने दिन रहे, कहता बाबा डबल सेंचुरी हो गई। तो सर बात ये है कि पीटीआई वाले वो डबल सेंचुरियाँ करते हैं जेलों में, ये 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि इस सिस्टम से जो चल रहा है ना, इससे लोग उकता गए हैं। अब समहाउ अदालतें भी उकता गई हैं। अब मुझे बताएं, ये जो कुछ सदीक जान के साथ हुआ है, क्या किसी भी अदालत में कोई अदालत इस बात को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त कर सकती है कि जो मुकदमा पेश किया गया है सदीक जान के खिलाफ, उन्हें पता है कि यह मुकदमा झूठा है, उन्हें पता था कि जो FIA ने फरवरी के किसी डेट के वारंट भेजे हैं, नोटिस भेजे हैं, वो नोटिस तखलीकी मार्च में सर। देखिए बात ये है ना, बात ये है कि फिर इस सदीक जान को बाकियों से कंपेयर करते हैं तो ह्यूज डिफरेंस नजर आता है। ये तो बोगस है ना, मैं बता रहा हूं, ये तो बिल्कुल ही बोगस है। और इसी तरह इमरान खान के साथ ब्रेक पे जाने से पहले एक कमेंट आप कुछ करना चाह रहे थे, साथ में एक एडिशन भी ले लीजिएगा। क्या हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है और वो कर नहीं सकती, या हुकूमत भी नहीं करना चाहती और इसको सिर्फ ड्रामाई सूरत शक्ल देना चाहती है सर? ये कंफ्यूजन है, यहाँ पे इसको क्लियर करने से। हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है और गिरफ्तार कर नहीं सकती, इन तमाम बातों के बीच एक चीज देखिए, इमरान खान साहब का घर है, उस घर का दरवाजा नहीं, यहाँ पर कोई 1000 से ज्यादा को तोड़ने के बाद घर के अंदर जाके ऐसी की तरक्की करते हुए देखा, लोगों को मारते हुए देखा, और ये हुकूमत 5000 लोगों को 50 लोगों पे चढ़ाई के लिए भेज चुके। ये हुकूमत ने नाकाम हो गया था, या मानते हैं के अंदर तो ही था ये हुकूमत। अच्छा, आपकी आवाज का प्रॉब्लम है तारिक भाई, ऑडियो इज नॉट गुड सर। मैं ब्रेक पे जाता हूँ नाजरीन, आपसे कमेंट ले लूंगा ये वाला ब्रेक के बाद। साथ में सस्ता आटा और सस्ती चीजें माह रमजान में हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन वो वादा शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका अभी तक और ना ही होता दिखाई दे रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक लगारी साहब, एक कमेंट जरा कर दे फिर मैं महंगाई पे आता हूँ। सर, क्या इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं, तो जो एक रिएक्शन है, जो पब्लिक रिएक्शन होगा, जिसके बारे में बार बार बात होती है, क्या वाकई वो बड़ा शदीद होगा कि यह हुकूमत संभाल नहीं पाएगी? सर देखिए, मेरी बात सुने, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस, मैंने गुनाहगार आंखों से देखा, मैं जो ही गया, मैं सर को नाचन शाह गया, मैं उस पर मेहर गया, मैं मोरो गया, मैं उसके बाद जो है वो शकरण गया, तो मैं दौलत और सुफन गया,
मैंने लाशें बिखरी हुई देखी है, मैंने सौ सौ लाशें गिनी है। जब स्टेट आती है अपनी बात मनवाने के लिए तो फिर स्टेट करती है, पर जुल्म हुआ है यह सिंध के साथ। आपको मालूम है एक एक गली में लाशें पड़ी हुई थी, लाशों को इंसान उठा रहे थे, कुत्ते उठा रहे थे। ये मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि लाडला है भाई। इसको प्यार से मोहब्बत से सारे इदारे मिलकर संभाल कर गोद में लेकर आगे बढ़ा रहे हैं ताकि फिर इस मुल्क को अगर बचा सके तो बचाएं, लेकिन आइन को तोड़ देंगे। मैं बता रहा हूं आप, पेशगी आइन नहीं रहेगा, इसके थ्रू नहीं रहेगा। ये पहले ऐलान कर चुका है, फैसलाबाद में कहा था कि मैं डिवीजन को सुबह बनाऊंगा, आपकी कौमी वहादतें खत्म हो जाएंगी। सिंध बर्दाश्त करेगा, लोग बर्दाश्त करेंगे, पख्तून बर्दाश्त करेंगे, पंजाबी बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि सिपाही काय को आप खत्म कर दें। ये कैसे हो सकता है? ये करने जा रहे हैं और उसके बाद क्या होगा? आपकी 18वीं तरमीम रोल बैक करने के लिए आइन रोल बैक किया जाएगा, इनके हाथ में नहीं है। आइनी तौर पर आपको आइन साथ का इलेक्शन करवाना होगा तब आप आइन को बुनियादी ढांचे को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये उसके बावजूद करना चाहेंगे, इसलिए लाडले को गोद में उठाया हुआ है। आप अगर वो लाडला मान भी लूं थोड़ी देर के लिए, तो वही लाडला साबिक चीफ को किस तरह बयान करता है उनके बारे में, तो वो भी तो स्क्रिप्ट है भाई, स्क्रिप्ट है लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट है, ये लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है। ये आपका ख्याल है कि ऐसा है, वो मौजूदा चीफ को भी कह रहा है, इसको इतनी इजाजत है। वो मौजूदा चीफ के बारे में कहा कि मैं फैसला करूंगा कि कौन मुहिब वतन है, कौन गद्दार है। छह थे, छह में जो छह जनरल थे, कौन कह सकता है कि कोई उनमें से गैर मुहिब वतन था? किसने कहा था कि मैं फैसला करूंगा कौन मुहिब वतन है, कौन गैर मुहिब वतन है? अलल ईरान कहा, और साफियों के सामने ये इन्होंने कहा था कि इनके अलावा और किसी को भी ले आए, इनको जो आज बैठे हुए हैं। वेरी राइट भाई, मैं ये कह ये सब कुछ स्क्रिप्ट है जो चल रहा है। स्क्रिप्ट यह है कि इसको मजीद पॉपुलर किया जाए, मजीद पॉपुलर किया जाए, और इसको इतना बड़ा पॉपुलर किया जाए, इसका बटन ऑन एंड ऑफ का जो है वो कहीं और है। दो तीन पूरा मजमा खामोश हो जाता था। अब ये भी उसी नंबर पर, आप 9-0 मुबारक हो लाहौर में, ये सब कुछ बन गया है। तारिक मतीन साहब, बिल्कुल सही, तारिक मतीन साहब, इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उससे तो इनकार नहीं कर रहे लगारी साहब, लेकिन लगारी साहब का मानना है कि ये जो पॉपुलैरिटी है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और जो खान साहब के साथ सलूक है वो भी लाडलों वाला है, और पॉपुलैरिटी फॉर द सम पर्पज़ है जिसमें आइन को रोल बैक करना है। और बाजवा साहब तो हमसे जब भी मिलते थे वो कहते थे कि 18वीं तरमीम जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा नासूर है। ये बाजवा साहब ने वो चार दफ़ा तो मैंने उनके मुँह से सुना है सर। अच्छा गुड, तो चलिए एक तो गवाही और आ गई कि ये बाजवा साहब क्या क्या कहते थे। आजकल बाजवा साहब की कही की गवाहियां मुसलसल आ रही हैं, रोजाना आ रही हैं, और मेरा ख्याल है ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन कोई बाजवा साहब से भी पूछे कि, और हमारे सीनियर भी नजीर लगा कर बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी हमें बताएं कि बाजवा साहब इस वक्त इंटरव्यू देने के अहल हैं या नहीं, क्योंकि मुसलसल इंटरव्यू दे रहे हैं बाजवा साहब, ये कानून इस बारे में क्या कहता है? ऑफ द रिकॉर्ड दे रहे हैं ना सर, ऑफ द रिकॉर्ड ये पूछते हैं कभी, कानून खाते में लाते हैं ये कानून, तो मर्जी है इनकी, कानून इनके क्या है? दूसरा आगे इमरान खान, मेरा एक सवाल और ले लीजिए इंतहाई अदब के साथ, कि इमरान खान लाडला है, तो इमरान खान अगर लाडला है तो इमरान खान नजीर लगा कर बता देंगे किसका लाडला है इस वक्त, और अगर ये स्क्रिप्ट है तो ये स्क्रिप्ट किसका है, और इस स्क्रिप्ट में इमरान खान के लिए सपोर्ट दी जा रही है तो ये सपोर्ट इमरान खान के लिए किसकी तरफ से दी जा रही है, इसका डायरेक्टर कौन है, इस स्क्रिप्ट का प्रोड्यूसर कौन है, इसका हीरो तो इमरान खान को बनाया जा रहा है बकौल नजीर लगारी साहब के, तो डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बाकी के किरदार कौन है, ये भी हमें पता चलना चाहिए। हम तालिबे इल्म में ताकत के नजीर लगारी साहब से हम सीखना चाहेंगे। मैं ये अर्ज करूँ कि वाशिंगटन में बैठा है, मैं ये अर्ज करूँ कि इंटरनेशनल खेल हो रहा है, मैं ये अर्ज करूँ कि ये मुल्क के साथ एक बड़ा खिलवाड़ 52 साल के बाद फिर हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कार 1971-1970 आपके पास वापस आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके जुग्राफिक खत्ता है, इसका ऐलान तो इमरान खान खुद कर चुके हैं कि पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का फैसला हो चुका है, ये कहा है इमरान खान। अच्छा एक और बता दीजिएगा सर, एक चीज और भी बता दीजिएगा कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस स्क्रिप्ट का हिस्सा किस हिसाब से है,
कहां पर है या नहीं है, और क्या इमरान खान उनका भी लाडला है? मेरे पास, अगर मेरे पास बैठे हैं, हम आपके आपस में बैठते हैं, मैं तारीख बताता हूं आप कि ये कैसे डूएस डायरेक्टेड करते हैं, ये कैसे करते हैं, कैसे इनको मैं ये कहता हूँ कि ये लाडला है और ये एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए कि ऊपर से एक और एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, भरपूर वजन है। मैंने चार नाम पांच गिनवाए, तारीख भरी पड़ी है सर। एस्टेब्लिशमेंट जब फैसला कर ले तो कोई नहीं रोक सकता ना, तो अब क्या हुआ एस्टेब्लिशमेंट को? कहीं ना कहीं लगारी साहब जो बात फरमा रहे हैं वो लगती तो है, फील तो होती है सर। सर्कमस्टांस एक जुमला याद है आपको, एक जुमला कहा गया था 27 मार्च के जलसे में सर, वो जुमला था यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, आपको ये जुमला याद है? वो पानी गुजर जाता है। वो जो इमरान खान ने कहा था कि तब जब बहुत सी चीजें हुई थी, तब ये सोशल मीडिया नहीं था, तब ये सिटीजन जर्नलिज्म नहीं था, तब ये ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये यूट्यूब नहीं था, तब ये एक आम आदमी जबान नहीं रखता था जो अब रखता है, तो तब का फर्क और ये जो फर्क है, ये फर्क बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क अब तक हमारे यहाँ फैसला साजों की समझ में भी नहीं आया है और इसकी तमाम चीजें हो रही हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक बहुत अहम शख्सियत के बहुत करीबी मुआविन ने मुझे ये बताया कि उन्होंने एक खास मौके पर एक कैलकुलेशन की और ट्विटर पे और फेसबुक पे वायरल जो टिकटॉक वीडियो थी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर टिकटॉक वीडियो वायरल, जिनमें इमरान खान जो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजादी देता है, गुलामी से निकालता है, उसको खुद मुख्तारी देता है, खुददारी देता है, ये वीडियोज और कुछ और वीडियोज इमरान खान की और इमरान रियाज खान की, इनके टोटल व्यूज जो थे वो 16 बिलियन थे। ये पाकिस्तान के एक इदारे के अपने जमा करदा और अपने इदारे में जमा करवाए गए आदादोशुमार हैं। तो परेशानी हर तरफ थी कि ये तब्दीली कहां से आई है, ये परेशानी हर तरफ मौजूद। अच्छा नहीं, व्यूज की बात से देखें, नहीं नहीं तारिक मजीद साहब, यू आर वेल अवेयर एंड वेल एजुकेटेड जर्नलिस्ट, ये व्यूज मैटर नहीं करते सर। व्यूज तो वो यूं जो स्टेज ड्रामे के वो आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना सर, वो अपलोड करते हो तो एक हफ्ते में मिलियंस क्रॉस हो जाते हैं सर। तारिक मजीद साहब, तारिक मजीद साहब, अल तहरीर, आपको याद है अल तहरीर? इस पर वो मुझसे कुछ अर्सा पहले किसी ने कहा एक शख्सियत के बारे में, एक शख्सियत के बारे में मुझसे कहा कि वो चार घंटे छह घंटे खिताब कर लेते हैं तारिक साहब, बोलते चले जाते हैं। तारिक साहब, लगारी साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, लगारी साहब आप बोलिए प्लीज। मैं हमत अनबोश हूँ जी। तारिक मदीन साहब, मैं याद कर रहा हूँ कि आज से 12 साल पहले, 11 साल पहले काहिरा में अल तहरीर स्क्वायर में लाखों लोग जमा थे और ये सोशल मीडिया काम कर रहा था। ये सोशल मीडिया कहाँ से ऑपरेट हो रहा था? ये वाशिंगटन से ऑपरेट हो रहा था। वो सब कुछ आ चुका है, उसकी तमाम डिटेल आ चुकी हैं। ये आपका सोशल मीडिया कहाँ से ऑपरेट हो रहा है? ये इन्हीं जहाँ से आजादो शुमार बता रही है, वहाँ यहाँ से ऑपरेट होता है कि वहाँ वो बताते हैं अपना वाशिंगटन में बैठे हुए हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये कितने बैठकर कह रहे हैं कि मैं 70 लाख और 80 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो ये जो है इनको ऐसे मिल रहे हैं भाईजान? ऐसा नहीं हो सकता है, जिनको इन्होंने पाला अगर वो उसके साथ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हवा और है। तारिक साहब, टाइम खत्म हो रहा है, स्टार साहब के पास भी आना मैंने। तारिक भाई लगाई है, तारिक भाई सर, नजीर लगारी साहब जो कह रहे हैं उसका कमेंट क्या कर सकता हूँ? नजीर लगारी साहब हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हैं। लगारी साहब ने इतना अलाउ किया है क्या? मीडिया पर इनकम किस तरह से होती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नाजरीन भी जानते हैं। मेरी जरूरत नहीं कि मैं नजीर लगारी साहब की बात पर कमेंट कर सकूँ। सर उस्ताद चौधरी साहब, इस्लामाबाद में खबर गर्दिश कर रही है, हुकूमत वक्त जो कि इस्लामाबाद में एक्चुअली इस वक्त है, तहरीक इंसाफ के गिर्द जो है वो घेरा तंग होगा, इज इट ट्रू सर? और किस तरह होगा और कितना तंग होगा? 94 FIR तो करवा दी आपने,
इसकी भी सेंचुरी करवाएंगे या क्या? सर देखें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो अब उस पर मेरे ख्याल में बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ज़ाहिर है समझ आ रहा है कि लोग अब इमरान खान को पसंद करते हैं। वो सोशल मीडिया कहीं से भी ऑपरेट हो रहा हो, जो उसके घर में लोग जाते हैं या उसके जलसे में लोग जाते हैं, वो पाकिस्तानी हैं, आम देहात से उठ के, शहरों से उठ के आते हैं। और वो पॉपुलैरिटी ही असल मसला है जो पी टी आई के ख़िलाफ़ गहरा तंग होने की बुनियादी वजह भी है। इमरान खान जितना पॉपुलर होता जाएगा, उतना हुकूमत हो या इदारे हों उनके लिए इमरान खान उतना ही लीथल होता जाएगा, और वो इमरान खान के खिलाफ गिरा उतना ही तंग करते जाएंगे। कुछ चीज़ें डिसाइड हो रही हैं कि इमरान खान को अगले सेटअप में नहीं रखना, उसको दूर करने के लिए अगर इलेक्शन पर आगे ले जाना पड़े वो करेंगे, अगर उसके लिए कोई एमरजेंसी लगानी पड़े वो करेंगे। ये तो अब सामने की चीज़ें आ गई हैं ना, अब हालात उस तरफ चले गए हैं कि अगर इलेक्शन हों, साल बाद हों, दो साल बाद हों, तो भी इमरान खान ने आना है। ये अब उनको पूरी रिपोर्ट्स हैं। अभी कल की वज़ीर आज़म की जो इत्तेहादियों की मीटिंग थी उसमें ब्रीफिंग हुई है कि जी पंजाब और केपीके में अगर इंतखाबात होते हैं तो ये पीटीआई बड़े आराम से जीत रही है, और उसका असर अगले इलेक्शन पे पड़ेगा जब आम इंतखाबात होंगे तो उसमें भी जीतेगी। तो उन्होंने वहाँ दो जमातों ने ये मुतालबा रखा है कि इमरान खान को भी निकालें और पीटीआई को भी निकालें। ये जो लाहौर में जो उसके घर से ये चीज़ें बरामद हुई, पेट्रोल बम बरामद हुए, फलां चीज़ बरामद हुई, ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ, इसका मतलब पीटीआई को बैन करना है सिंपल, उसको दहशतगर्दों के साथ। पेट्रोल बम से तो बैन नहीं होती ना सर खुदा। देखिए पलड़े बराबर करने के मुतालबा तो हो सकता है ना, ख्वाहिश तो हो सकती है ना किसी की, वो नहीं होनी, वो तो अब अदालत में जाएगा मामला, उसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस है। सियासी जमात ऐसी थोड़ी हो जाती है, एक इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उस पर समाअत करेगी, ये एक लंबा प्रोसेस है, कोई जमात बैन नहीं। लास्ट कमेंट है सर, इमरान खान साहब के लिए अगला सफर मुश्किलात से भरा होगा या कुछ सहूलतें खान साहब को या तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं, और इलेक्शन जो है जो कल का जो स्टार चॉइस सब कह रहे हैं, ही वाज ट्रू, आज प्रिंट मीडिया में भी छपा था, ये हुकूमत तैयार नहीं है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन डिले करवाने के लिए, वो प्लान बना चुके हैं शायद। इमरान खान के लिए जितनी मुश्किलें हैं इससे आगे भी मुश्किलें होंगी, डेफिनेटली होंगी, ये हमें सबको पता है, सब कह रहे हैं। लेकिन हैरानी मुझे होगी, हमारे यहाँ बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं कि इमरान खान को हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा। ये कैसे सहाफी हैं जिन्हें जमहूर के लिए, मासद के लिए, जमहूरियत के लिए बात करनी चाहिए? ये इस वक्त हमें खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट नहीं आने देगी, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को सजा देगी। ये तीन चार बड़े नाम एक बड़े चैनल के पाकिस्तान के, वो मुसलसल हमें बता रहे हैं। उसके बाद ये जो हुकूमत है ये इलेक्शन क्यों चाहेगी? ये देख नहीं रहे कि इनके साथ क्या हो रही है, कैसे हो रही है? इनमें से कोई जो है वो खड़ा होकर सड़क पे भुट्टा ले सकता है, किसी बर्गर की दुकान पे खड़ा होकर बर्गर खरीद सकता है, आटे की लाइन में जाके अपने गार्ड के साथ भी नजर आ सकता है? इनमें से कोई आपको नजर आया इनमें से कोई पब्लिक में? ये बाहर निकले इनको अंदाजा होगा तो बहुत बुरा हशर है। इन लोगों ने जो हशर किया है आम आदमी का, ये 137 के पेट्रोल पे कहते थे कोई खरीद नहीं सकता, अब बताएं ये लोग कैसे जाके आम आदमी का सामना कंक्लूड कर दें, जो तारिक साहब ने बातें की सत्यानाश कर कंक्लूड कर दें। लास्ट मिनट है सर, महंगाई से इतना बुरा हाल है, तारिक मतीन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बाहर निकल नहीं सकते। सर देखें, इनको इमरान खान को निकालने और इनको लाने का जिसने मंसूबा बनाया था यही हालात पैदा करने के लिए बनाया था जो आज पैदा हो गए हैं, और इमरान खान पॉपुलरिटी के रूज पर हैं, और अगर इनकी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, अगर इनको मंजरनामे से हटाने की कोशिश की गई, ये तबाह कौन होगा और पाकिस्तान को बिल्कुल उड़ा देने के बराबर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको दरवाजा खोलना चाहिए, सब मिलकर बैठें, बिछाना चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए। एक रास्ता है कि सब एक साथ पर मेज पर बैठें और ये सोचें कि हमने पाकिस्तान को बचाकर इस सारे बुरान से कैसे निकलना है। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है उसने बहुत बड़ा फैसला किया हुआ है, वो आपके लिए मैं कहता हूँ किसी तरह भी मुनासिब। टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज्ज़ज़ मेहमानों का, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।